हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग के टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली ग्रुप डी के लिए, आरपीएफ के लिए, एसएससी जीडी के लिए। ग्रुप डी की एग्जाम डेट आ चुकी है, मैंने वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर दिया आपके लिए। तो आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ में मेहनत करके एक भी वीडियो को मत छोड़िएगा। जितने भी क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने सभी दोस्तों को भी बताइए, और जो चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने दोस्तों को भी जरूर बताइएगा। बेल आइकन को ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे मैथ की वीडियो का 2 से 3, फिर रीजनिंग का 9 से 10, और जीके का लाइव टेस्ट चलता है डेली रात को 11 बजे, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए दोस्तों, मैं अकेडमिक की लर्निंग ऐप पर भी पढ़ाता हूँ, यहाँ पर भी मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियोज़ देखनी है, अकेडमिक का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहां पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उनसे भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, प्लीज एंड तक देखिएगा, अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में 467 से अभिप्राय है लीव्स आर ग्रीन, 485 से अभिप्राय है ग्रीन इज गुड, और 639 से अभिप्राय है दे आर प्लेइंग हो, तो उस निश्चित कोड में लीव्स के लिए क्या कोड है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जैसे उन्होंने लिखा है कि 467 से अभिप्राय लीव्स आर ग्रीन, तो इनको लिख लेते हैं इसी तरीके से, ठीक है। आपने लिख लिया 467 लीव्स आर ग्रीन, 485 के लिए ग्रीन इज गुड, और 639 के का अर्थ है दे आर प्लेइंग। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो चीज़ देखनी है, सबसे पहले क्या लिखा है ये देखना है। 4 लिखा है तो आपको देखना है कि 4 और किस लाइन में है। 4 यहाँ पे है और यहाँ पे है, और कहीं पे तो नहीं है। दोनों को गोल कर दीजिए, मतलब किसी भी एक यूनिक से अलग से दोनों को एक सेम गोल करिएगा। यहाँ पे भी कर दिया, यहाँ पे भी किया और यहाँ पे भी कर दिया। फिर नेक्स्ट आपको देखना है इन दोनों कॉमन, इन दोनों लाइन में क्या चीज़ कॉमन है। भाई एक ही चीज़ कॉमन मिलेगी, वो है ग्रीन है, या वो या फिर आपकी क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, कॉमन होगा एक ही चीज़, दूसरी नहीं हो सकती। अगर दूसरी होती तो फिर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। उसको करने के भी तरीके होते हैं, उस लेवल का क्वेश्चन मैं आपको आगे चल के करा दूंगा, बट आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रीन आपका हो गया, यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, यानी कि 4 के लिए तो ग्रीन हो गया। फिर नेक्स्ट देखिए 6 यहाँ पे है, इस लाइन में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे है। दोनों को एक यूनिक से आपको कर देना है, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट मैंने इसको कर दिया है इस तरीके से। फिर यहाँ पे देखिए इन दोनों लाइन में और चीज़ कॉमन क्या है, आर इनमें दोनों में कॉमन है, तो आर यहाँ पे भी है या आर यहाँ पे भी है, तो आपके लिए 6 के लिए ये आर हो गया है, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा इस लाइन में आर के लिए पता चल गया, ग्रीन के लिए पता चल गया, तो बचा 7 किसका हो जाएगा, लीव्स का हो जाएगा। तो हमें आंसर मिल चुका है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लीव्स के लिए 7 इज द राइट आंसर। और अगर आपके क्वेश्चन में कुछ आगे पूछा गया है, जैसे गुड़ के लिए पूछ लिया जाए, तो आपको एक स्टेप और आगे चलना पड़ेगा, फिर आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करना पड़ेगा। जहाँ से भी आपका आंसर मिलता है वहीं पर रुक जाइए, आगे मत जाइए, क्योंकि टाइम वेस्ट करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बिल्कुल उसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए। ये क्या है, एक निश्चित कोड पद्धति में इस कोड से अभिप्राय है नाइस बिग हाउस, फिर इस कोड से अभिप्राय है हाउस इज गुड, और इस कोड से अभिप्राय है कॉस्ट इज हाई हो, तो उसी निश्चित कोड कोड पद्धति में गुड के लिए क्या कोड है। गुड़ का आपको यहाँ पे बताना है, जैसे ऊपर बताया था आपने लीव्स का, तो यहाँ पे आपको गुड़ का बताना है। तो बिल्कुल सबसे पहले वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में किया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमने यहाँ पे लिख लिया है, इस कोड के लिए ये यूज किया गया है नाइस बिग हाउस, वो हमने लिख लिया। फिर इस कोड के लिए आपको हाउस इज गुड ये लिख लिया, और इस कोड के लिए कॉस्ट इज हाई ये भी हमने लिख लिया है। तो अब सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये देखिए एम ओ के मॉक आपको कहीं पे दिख रहा है, इस लाइन में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो छोड़ दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं लेनी है कि अब ये नहीं है तो अब क्या होगा नेक्स्ट, कुछ नहीं होना, उसको छोड़ दीजिए। फिर इसके देखिए डी एन कहीं पे है, तो डी एन यहाँ पे है, तो ठीक है, ये मैं शायद इसको करना भूल गया, ये आपको इसको भी ऐसे करना है, ठीक है। डी एन यहाँ पे है, यहाँ पे है, और इन दो लाइन में देखिए क्या कॉमन है, हाउस में कॉमन है, तो हाउस के लिए कौन सा कोड हो गया, ये हो गया, ठीक है। फिर एस आई टी देखिए कहीं पे है, इसमें है, फिर इसमें नहीं है, और इसमें भी नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, यानी कि हमें हाउस का तो पता चल गया। फिर नेक्स्ट देखिए एफ आई टी देखिए इसमें है और किस में, इसमें है, ठीक है, दोनों को गोल कर दीजिए, और इन दोनों में कॉमन क्या है, इज है, तो यहाँ पे भी इज पे गोल करिए और यहाँ पे भी इज पे गोल करिए। अभी आपको अगर देख पा रहे होंगे तो ये भी आपको पता चल गया, इसमें ये भी पता चल गया, इसमें हाउस और इज पता चल गया, आपको क्या निकालना है, गुड, तो जो बचा वो गुड के बच जाएगा, तो कौन के ओ एन कौन किसका कोड हो जाएगा, गुड का, तो आपका आंसर आपको मिल चुका है। इसी तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ईजी और बहुत ही जल्दी हो जाते हैं अगर आप स्टेप बाई स्टेप करेंगे, ठीक है। तो गुड का कोड क्या हो जाएगा, कौन, कौन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला के क्रम पैटर्न को जारी रखेगा और श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह आएगा। यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रखा W144, फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन मार्क है S100, Q81, O64। तो यहाँ पे आपको दोनों को अलग अलग कोड है और दोनों को अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। ये नहीं कि W को 144 कैसे लिख सकते हैं हम, इस पे ध्यान मत दीजिएगा। अभी यहाँ पे अगर देखें तो ये किसका है, 12 का स्क्वायर है, ठीक है। ये आपका 10 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर है और ये आपका 8 का स्क्वायर है। अगर आप देखें 8, 9, 10, तो यहाँ पे 12 आ गए, यहाँ पे 11 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। तो यानी कि नंबर तो हमें मिल गया, यहाँ पे क्या आएगा, 121 आएगा भाई, ठीक है। और वैसे भी ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बचा ये वाला और ये वाला। अभी अगर आप देखें तो एस से दो पीछे चलें तो क्यू आएगा, और क्यू से दो पीछे चले तो ओ आएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो अब मैं इधर से भी चल सकता हूँ कि ओ से आगे दो क्यू है, क्यू से आगे दो एस है, एस से दो आगे क्या हो जाएगा आपका यू आ जाएगा, ठीक है, और यू से आगे दो डब्ल्यू आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से चल सकते हैं, मतलब ये है कि यहाँ पे यू 121 आएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इधर से चलूँ तो W में से अगर मैं -2 करूँ तो क्या आएगा, U आएगा यहाँ पे, और U में से -2 करूँ तो S आएगा, फिर S में से -2 करूँ तो Q आएगा, और Q में से -2 करूँ तो O आएगा। यानी कि -2 चल रहा है अगर इस साइड से चलते हैं और +2 चल रहा है अगर इस साइड से चलते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर A ही हो जाएगा, आप खुद भी देख सकते हैं ट्राई करके। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आता रहे तो लाइक और शेयर करते रहिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 20 लड़कों की एक पंक्ति में जब अमित को बाईं ओर 3 स्थान खिसका दिया गया तो वह बाएं छोर से 9वें स्थान पर आ गया, दाएं छोर से उसका पूर्व स्थान कौन सा है। यानी कि पहले वाला स्थान दाएं ओर से अगर देखा जाए तो कौन सा स्थान था। अभी इस क्वेश्चन को थोड़ा समझने की जरूरत है, बहुत ही सिंपल एक क्वेश्चन है। अगर मैं एक लाइन, चलिए यहीं पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर समझिए, एक लाइन है उसमें 20 बच्चे हैं, ये तो हमें कंफर्म है कि 20 है, उसको 3 स्थान खिसकाया गया, फिर वो बाईं ओर की तरफ उसको 3 स्थान खिसकाया गया। मान लीजिए जो भी स्थान खिसकाए गए वो यहाँ पे अब 9वें स्थान पे हो गया बाईं ओर से। अभी इस साइड में इसके कितने बच गए, 11। अगर मैं इधर से काउंट करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो इस तरफ उसके 11 बच्चे और बच गए हैं। वो 9 इधर से हैं और 11 इधर से हो गए, तो इसका मतलब 20 टोटल हो गए। अभी पूछा उसके पहले जो पहले वाला स्थान कौन सा था। अगर उसके पहले स्थान पे जाएं हम तो उसे 3 खिसकाया गया था, अभी उसके पहले स्थान पे जाएंगे तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे भी उसका 9वां ही स्थान था। अगर आप देखें तो 3 खिसकाएंगे तभी तो वो 9वें स्थान पे इधर आएगा, अदरवाइज वो पहले 9वें स्थान पे था, अभी वो इधर 9वें स्थान पे है। तो 11 एक साइड में बचेंगे क्योंकि टोटल स्टूडेंट आपके पूरी लाइन में 20 हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर समझ में आ गया होगा तो बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ष 2000 ईस्वी का 91वां दिन किस माह में पड़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा, आप ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा इसका। देखिए कैसे करना है, देखिए कैसे चेक करना है। आप सभी को पता है जनवरी का महीना 31 का होता है, फरवरी का आपका 2000 में अगर देखा जाए तो 28 का होगा, ठीक है, फिर मार्च में आपका 31 का होगा। तो यहाँ पे आप सबसे पहले इन तीनों को प्लस करके देखिए, तीनों को प्लस करेंगे कितना, 90। यहाँ पे पूछा है 91वां, ठीक है, 91वां दिन किस माह में होगा, किस मंथ में होगा। तो ये तो भाई 3 महीने तो आपके इन, ये 90 दिन तो इन 3 महीनों में सिमट गए, नेक्स्ट एक दिन बचा है वो किस महीने में चला जाएगा, अप्रैल में। तो इसलिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बनाया गया है कि यहाँ पे बच्चे बहुत से मार्च भी लगा सकते हैं और अगर थोड़ा सा भी मतलब मिस्टेक कर गए, बाकी आंसर इसका अप्रैल रहेगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अप्रैल। आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस क्रम श्रृंखला में एक पद गलत है, उस गलत पद को बताइए। देखिए यहाँ पे लिखा है 105, 85, 60, 30, 0, माइनस के 45, माइनस के 90। यहाँ पे पूछा कि इस पूरी सीरीज में एक पद गलत है, वो गलत बताइए। तो आपको सबसे पहले सीरीज समझ में आनी चाहिए कि सीरीज में चल क्या रहा है। तो सीरीज में आपका सबसे पहले चल रहा है माइनस के 20। अगर आप देखो इसमें 105 में से अगर 20 को माइनस कर दिया जाए तो कितना आएगा आपका, 85 आ जाएगा, ठीक है, 85 आ जाएगा। तो माइनस 20, फिर माइनस 25 किया जाए तो 60 बचेगा,
फिर 60 में से माइनस 30 किया जाए तो 30 बचेगा, यानी कि चल क्या रहा है, माइनस 20 किया गया, 25 किया गया, यानी कि पाँच पाँच बढ़ाते हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर 30 किया गया, फिर 35 किया गया, फिर 40 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस 20, माइनस 25, माइनस 30, फिर नेक्स्ट आपका माइनस 35 होगा। तो यहाँ पे अगर 30 में से 30 में से माइनस 35 किए जाएंगे तो बचना क्या चाहिए, माइनस का 5, और यहाँ पे क्या लिखा है, 0, तो यानी कि आपका यही वाला रोंग हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका कितना होगा, देखिए 20, 25, 30, 35, फिर यहाँ पे माइनस 40 होगा। तो माइनस 40 जब करेंगे माइनस 5 में से, तो आपका प्लस, सॉरी प्लस का बोल रहा हूँ, आपका दोनों को माइनस माइनस होके आपका कितना हो जाएगा, माइनस के 45, फिर माइनस के 45 आप माइनस करेंगे तो माइनस के 90 हो जाएगा। इस तरीके से सीरीज चल रही है, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ पे 0 लिखा है यहाँ पे आना चाहिए आपका माइनस के 5। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऐसा करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके की कई सीरीज आपके एग्जाम में आती है जो हल्का सा कन्फ्यूज करती है, और ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं क्वेश्चंस रीजनिंग के, तो बेसिकली आपके बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं आपके ग्रुप डी के एग्जाम में, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का। और बहुत सारे बच्चे बोले कि टेंशन हो रही है, तो टेंशन बिल्कुल मत लो, जितना पढ़ाई कर सकते हैं एक स्ट्रेस फ्री माइंड के साथ में उतनी पढ़ाई करिए, और एक पॉजिटिव थॉट अपने दिमाग में रखिए कि मैं कर सकता हूँ। अगर आप इस चीज़ को रखते हैं दिमाग में कि मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर जाएंगे। अगर आप निगेटिव थॉट रखते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं पेपर कैसे कर पाऊँगा, मेरा लास्ट चांस है, मेरा पहला चांस है, तो ये बहुत निगेटिव इम्पैक्ट डालने वाला आपके एग्जाम पे, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं दिमाग में, अपनी पढ़ाई करते रहिए, तो यार डेफिनेटली हो जाएगा, इतना हार्ड एग्जाम नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष से, पहला मतलब इसमें लाइन वो लिखी गई है, शिक्षण एक कला है, शिक्षण जो है एक कला है, चित्रकारी भी एक कला है, तो आपको इसको कैसे बनाना है। देखिए इसके दो तरीके से एक वेन डायग्राम बन सकते हैं। सबसे पहले शिक्षण एक कला है तो ठीक है, और एक कला भी एक चित्रकला है, तो इस तरीके से एक डायग्राम बन सकता है, या फिर आप इनको तीनों को कट करते हुए भी बना सकते हैं, कला, शिक्षण और एक चित्रकारी, ठीक है। तीनों मतलब आपस में इंटरसेक्स कर सकते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आप इन तीनों को कट करते हैं, तो इनका पढ़ के देखते हैं क्या क्या इसमें बोला गया है निष्कर्ष। सभी कलाकार शिक्षण शिक्षक है, तो यहाँ पे ये देखिए शिक्षण ही होगा, ठीक है, अणा ही आएगा यहाँ पे, और वैसे भी इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, कई बार ये चीज़ें हो जाती है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, वैसे भी क्यों हो जाएगा, सभी वाला वर्ड यूज नहीं होगा जब यहाँ पे कुछ कुछ वाली कंडीशन है, ठीक है। शिक्षण एक कला है, तो यहाँ पे सभी वाला भी नहीं पता है और कुछ वाला भी नहीं पता है, तो हमने जो डायग्राम बनाया उसमें जो है वो कुछ वाली कंडीशन है, तो ये वाला तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आपका सभी कलाकार चित्र बनाना जानते हैं, तो सभी तो इसमें भी नहीं आएगा, क्योंकि सभी का तो तब तक हम नहीं बोल सकते जब तक क्वेश्चन में क्लियरिफाई नहीं कर देते कि ये चीज़ें सभी हो सकती है या नहीं हो सकती है। जब तक सभी वाला कंडीशन नहीं बोला जाए तो आपको कभी नहीं बनाना है, ठीक है। तो दोनों ही आपके निष्कर्ष नहीं होंगे, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, निष्कर्ष वन और सेकेंड में से कोई लागू नहीं होगा, ठीक है। ऐसा करता हूँ कि समझ में आया होगा, जब भाई कुछ वाली कंडीशन है या फिर आपको कुछ वाली, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला गया ना, तो आपको क्या करना है, कुछ वाली कंडीशन बनानी है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सभी वाली कंडीशन होगी क्वेश्चन में तो तभी आप सभी वाले निष्कर्ष निकाल सकते हैं, अदरवाइज कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आपका है सीरीज कंप्लीट करने वाला ये क्वेश्चन, इस सीरीज को कंप्लीट करिए। नेक्स्ट क्या आएगा, बी ई एच के एन क्यू आपका लिखा है, तो नेक्स्ट क्या आएगा। तो अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ पे प्लस थ्री आपका चल रहा है, ठीक है। बी में अगर मैं प्लस थ्री कर दूं तो ई हो जाएगा, फिर ई में प्लस थ्री कर दूं तो एच हो जाएगा, एच में प्लस थ्री तो के, के में प्लस थ्री तो एन, इसी तरीके से इसमें सारा प्लस थ्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। नेक्स्ट भी आगे भी आपका ऐसे ही होगा, प्लस थ्री हो जाएगा, ठीक है। फिर क्यू में प्लस थ्री करेंगे तो आपका टी हो जाएगा, और टी में प्लस थ्री करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि टी डब्ल्यू इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे प्लस थ्री इन दोनों में हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट भी आपका प्लस थ्री है, फिर आपका ये प्लस थ्री है, के में प्लस थ्री तो एन हो जाएगा, एन में प्लस थ्री तो ओ हो जाएगा, ओ में प्लस थ्री तो आपका टी हो जाएगा, टी में प्लस थ्री तो डब्ल्यू हो जाएगा, इस तरीके से प्लस थ्री वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। देखिए जो आपकी सीरीज न्यूमेरिकल अल्फाबेट जो सीरीज होती है उसमें ज़्यादातर जो आपकी सीरीज होती है या तो वो मल्टीप्लाई बेस होती है, ठीक है, कुछ ना कुछ जो आपका नंबर्स होते हैं, यानी कि इसका जो नंबर है ये दूसरे नंबर पर आता है,
ठीक है, तो इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके लिख दिया जाएगा या मोस्टली केसेस में आपका प्लस करके या माइनस करके लिखा जाता है, तो आप प्लस माइनस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस वाली सीरीज में। नेक्स्ट आपका है, इसको ट्राई करके देखिए एक बार इस क्वेश्चन को, फिर देखते हैं नेक्स्ट आप कितने बच्चे सही आंसर कर पाते हैं। तो ऐसा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। देखिए इसमें क्या चल रहा है, इसमें प्लस और माइनस चल रहा है। अगर मैं इसमें देखूँ तो ये एक स्टेप आगे है और इसे देखूँ तो ये एक स्टेप पीछे है, यानी कि प्लस वन और माइनस वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आएगा देखिए ए बी फिर सी है, इस तरीके से भी आपको ध्यान रखना है। तो इसमें प्लस वन, इसमें माइनस वन, फिर आपका ई में प्लस वन, इसमें माइनस वन, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ए बी सी डी ई एफ, तो नेक्स्ट आपका जी आना चाहिए, जी से स्टार्ट होगा। आप जी वाला देख लीजिए, ये स्टार्ट है ये, तो चलिए तो तीनों स्टार्ट है, तो ये तो हट जाएगा, मतलब जी होगा। तो आप देखिए जी, फिर आपको एक छोड़ के यहाँ पे आना चाहिए एच, यानी कि प्लस वन, और इसमें एक ऐसा होना चाहिए जिसमें माइनस हो जाए। ठीक है, तो टी आपका आ जाएगा और एस, यहाँ पे टी में से माइनस वन करेंगे तो एस, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो गया, जी टी एच एस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, प्लस वन माइनस वन वाली सीरीज इसमें चल रही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये दो क्वेश्चन और हैं सीरीज वाले, करके देखिए एक बार इनको भी। तो आशा करता हूँ कि आपने ट्राई कर लिया होगा। इसमें भी देखिए क्या चल रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा, पाँच प्लस करेंगे फिर 10 करेंगे फिर 15 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 54, और फिर 15 के बाद 20 हो जाएगा, इसमें 20 प्लस करेंगे तो 74, तो यहाँ पे 5 इसमें प्लस किया तो 29, 10, 39, 15, 54, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका आ गया है, और नेक्स्ट 20 प्लस करेंगे तो आपका 74। तो बहुत ही आसान है, सारे न्यूमेरिकल सीरीज भी और आपकी अल्फाबेट सीरीज भी। ठीक है, इसको ट्राई करके देखिए, देखिए अच्छी सीरीज है क्योंकि ये एकदम से बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गई है 480, और मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से आपको इन सीरीज को करना है, तो एक बार ट्राई करिए। तो मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज एकदम से डिक्रीज हो जाए तो कुछ ना कुछ डिवाइड चलेगा, तो बिल्कुल सीधी सीधी सी बात है, यहाँ पे भी डिवाइड चला है, वो आपको ने फाइंड आउट कर लिया होगा कि कैसे यहाँ पे डिवाइड चला है। ठीक है, वीडियो को रोक करके ट्राई किया करें, जब भी मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूँ कि ट्राई करें, एक बार वीडियो को रोक लिया करें और फिर ट्राई किया करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, डिवाइड ही चल रहा है। सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड किया गया है, तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 96 टाइम जाएगा। ठीक है, 96 आपका आ जाएगा, ये 5 टाइम जाएगा, फिर ये 4 टाइम जाएगा, 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24, फिर 24 को 3 से डिवाइड करेंगे 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4। इस तरीके से आपको 5 से डिवाइड किया गया, फिर 4 से, फिर 3 से, फिर 2 से, इस तरीके से सीरीज चली है। तो यहाँ पे बी आ जाएगा राइट आंसर, 96 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। देखिए जब भी सीरीज एकदम से डिक्रीज हो जाए, जो भी आपकी सीरीज होती है वो एकदम से डिक्रीज हो जाए, तो उसमें कुछ ना कुछ डिवाइड ही चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपने इन्जॉय की होगी, अच्छे से समझ में आए होंगे सारे क्वेश्चंस। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, जो भी अभी तक आपके दोस्त हैं और चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं उनको बताइए कि चैनल के साथ में जुड़ जाइए, बहुत आपके लिए वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ ग्रुप डी स्पेशली इस टाइम, क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है, चलेगा, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये सारे वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, तो सारी वीडियोज़ को देखते रहिए, बेल आइकन कौन रखिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुँचते रहे, अगर नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है तो टाइमिंग मैंने फिक्स कर रखी है, आप उस टाइम पे चेक जरूर कर लिया करें यूट्यूब को ऑन करके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे बहुत सारे लिंक मैंने गिवन किए हैं। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।